हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे साइक्लोन मेकुनू के बारे में। दिस वीडियो लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, यूपीएससी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यूपीएससी ऑप्शनल भी अवेलेबल है, यूजीसी नेट का जो पेपर वन है वो भी अवेलेबल है। अभी हमारी सेल चल रही है जो कि चलेगी 28 मई तक। आप इस सेल का बेनिफिट ले सकते हैं और इन कोर्सेज के जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर studyiq.com जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। देखिए, जो साइक्लोन मेकुनू है ये बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हुआ है अरेबियन सी वाले रीजन में, और जो ये कंट्रीज हैं ओमान हो गया, यमन हो गया, इवन ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और जो यूएई जो है इनको भी एक तरीके से यहाँ पे ये लैंडफॉल करेगा या फिर जो है यहाँ इनको हिट करेगा। ऑलरेडी एज पर द मेट डिपार्टमेंट्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी जो है ओमान और यमन के कुछ रीजन और सोकोत्रा के कुछ जो रीजन्स हैं वहाँ ऑलरेडी जो है ये हिट कर चुका है, लैंडफॉल हो चुकी है। एक्सपेक्टेड ये है कि मेनली ये सऊदी अरेबिया और यूएई वाला जो रीजन है वहां तक भी ये पहुंचेगा और हो सकता है यहाँ की कई सिटीज हैं उनको अफेक्ट करे। क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो रीजन है यहाँ ये अरेबियन सी है। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइक्लोन मेकुनू कहाँ फॉर्म हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो अरेबियन सी में फॉर्म हुआ है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि इसका मूवमेंट इस तरीके से है, क्योंकि देखिए एक ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनका मूवमेंट हमेशा जो होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। वहीं अगर हम टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो जो मूवमेंट हमेशा जो होता है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये जो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और जो कि फॉर्म हुआ है अरेबियन सी, यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है और इसलिए इसका जो मूवमेंट है इस तरीके से है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बे ऑफ बंगाल में अगर कोई साइक्लोन फॉर्म होता है मानसून के टाइम पे, जब बहुत सारी जो साइक्लोनिक कंडीशंस फॉर्म होती हैं, तो उस समय भी अगर आप देखें तो जो साइक्लोन का मूवमेंट होता है ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ही होता है। देखिए ये जो साइक्लोन है, अगेन दो फैक्ट जो हमें ध्यान रखना है, पहली चीज़ कि अरेबियन सी में फॉर्म हुआ और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखना है कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। देखिए ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बीच क्या डिफरेंस है, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में इसको कवर किया है कि इस साइक्लोन की वजह से कई सारी लाइफ्स भी लॉस हुई हैं, कई लोग मिसिंग भी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये बेसिकली जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है। देखिए जो साइक्लोन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके पास कई सारे हैं, जैसे हरिकेन्स भी है, या मान लीजिए टाइफून्स हैं, या मान लीजिए टॉर्नेडोज हैं, या विली विली हैं, ये अलग अलग जो कैटेगरीज हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। सो देखिए मान लीजिए अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए ये अर्थ है और ये है इक्वेटर, यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, तो इस रीजन में अगर जो साइक्लोन फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो मतलब जो ट्रॉपिक्स में जो कंडीशंस हैं वहाँ जो साइक्लोन फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो इक्वेटर के पास, इक्वेटर के 5 डिग्री के नॉर्थ और साउथ में जो है वो फॉर्म नहीं होते ट्रॉपिकल साइक्लोन। मेनली इसलिए फॉर्म नहीं होते कि वहाँ पे जो है कोरिलेसिस फोर्स जो है वो काफ़ी वीक होता है, इस वजह से जो वर्लिंग है मतलब जो सर्कुलेशन जो हो चाहिए होता है साइक्लोन के फॉर्म होने के लिए वो नहीं अवेलेबल होता। तो जब हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो आप ये याद रखिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली ऐसी कंडीशंस जो हैं जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, जहाँ पे जो कि एक तरीके से ट्रॉपिक वाले रीजन में अवेलेबल है वहाँ पे फॉर्म होता है। सो ये जो मेकुनू है वो है एक तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब देखिए ये जो एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से पावरफुल स्ट्रॉन्ग क्रिएट करेगा और जो स्पीड ऑफ द विंड जो लगभग 150 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है कि जो रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होगी, लगभग 200 mm के आसपास होगी विद इन 24 आवर्स, जो कि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल है। देखिए ये जो आइलैंड्स है, सोकोत्रा है, यमन का जो पार्ट है, ओमान का सदर्न पार्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होंगे या हुए भी हैं एक तरीके से इस मेकुनू साइक्लोन की द्वारा। तो ये आप रूट भी देख सकते हैं साइक्लोन का कि देखिए अरेबियन सी में यह फॉर्म हुआ और फिर उसके बाद से ये जो रीज़न है इसको हिट कर रहा है। अब देखिए थोड़ा सा अनयूजुअल चीज़ भी है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही इस रीज़न पे हाल ही में यहाँ पे एक दूसरा साइक्लोन फॉर्म हुआ था, उसका नाम है सागर। ठीक है, अब ये जो सागर साइक्लोन है ये क्रिएट हुआ लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो जैसे ही ये सागर साइक्लोन जो एक तरीके से हटा, उसकी जगह जो है ये मेकुनू साइक्लोन है वो एक तरीके से फॉर्म हो गया।
सो ये भी बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि अगर आप देखें अरेबियन सी को और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, तो अरेबियन सी में जो साइक्लोन का फॉर्मेशन वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अरेबियन सी में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। कि आप देखिए बहुत ही विदिन बहुत ही कम टाइम में सागर साइक्लोन हाल ही में अभी फॉर्म हुआ था इस रीजन में और तुरंत फिर मेक्यूनू साइक्लोन फॉर्म हो गया। सो ये कि एक मैटर ऑफ कंसर्न भी है, क्योंकि अगर आप देखें इन रीजन्स को, सऊदी अरेबिया, यूएई और ये जो रीजन्स हैं ये सेमी एरिड कंडीशंस है। आप यहाँ पे डेजर्ट्स देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, और अगर ये साइक्लोन्स रेगुलरली इस रीजन को हिट करने लग गए, ठीक है, और यूएई सऊदी अरेबिया तक अगर पहुँचने लग गए, तो ये एक सिम्टम्स हैं, ये सिंबल हैं जो कि शो कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो विजिबल है। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हीटिंग टेम्परेचर जो होना चाहिए वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और दूसरा है मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी। ये दो कंडीशंस जो है विजिबल होनी चाहिए। सो अगर हम बात करें लैंड में, तो लैंड में साइक्लोन नहीं फॉर्म होगा क्योंकि सेकंड कंडीशन अवेलेबल नहीं है। मॉइस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है साइक्लोन के फॉर्मेशन में। चलिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है, अब जब ये हीटिंग होगी, ये जो अब हीटिंग होगी, ठीक है, तो हीटिंग की वजह से क्या होगा कि जो वाटर ये मॉलिक्यूल्स हैं इस हीट को एब्जॉर्व करेंगे, फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब इस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद फिर क्या होगा कि ये जो वाटर है जो कि एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में, ठीक है, ये जो वाटर वेपर वो गैस होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो वाटर वेपर है ये ऊपर जाएगा, अब जब ये ऊपर जाने जाएगा तो फिर कुछ हाइट में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये वाटर वेपर जो है एक कन्वर्ट होगा जो है एक तरीके से लिक्विड में अगेन, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर मूव करोगे तो क्या होता है कि वो कूलिंग अफेक्ट होती है, जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब आप ये समझिए कि जैसे जैसे आप एयर ऊपर जाएगी तो एक तरीके से थोड़ा जो उसका टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही वाटर वेपर ऊपर जाएगा तो ड्यू टू कूलिंग अफेक्ट जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट होगा किस में, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। सो जब ये लिक्विड या वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, जब कोई जैसे गैस से अगर लिक्विड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी। तो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा, मतलब वाटर वेपर ऊपर जा रहा है और वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है और फिर उसके बाद हीट रिलीज़ हो रही है। तो इस हीट रिलीज़ की वजह से जो है एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब जब ये लो प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर आसपास की जो विंड्स हैं जो हाई प्रेशर में हैं वो अट्रैक्ट होंगी और फिर ड्यू टू कोरिओलिस फोर्स जो है इस तरह की वर्लिंग होगी। सो अगर देखा जाए ये कोरिओलिस फोर्स की वजह से जो साइक्लोन्स हैं उनका मूवमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, और क्लॉकवाइज होता है अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए इस तरह की वर्ल्डिंग होती है। अब ये मेनली जो होती है कोरिओलिस फोर्स जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी वजह से जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो है ये साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। मेनली इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोरिओलिस फोर्स जो है वो एक काफ़ी वीक होता है इस रीजन में। अब साइक्लोन मेक्यूनू है, इसके बारे में हमने दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट जाने की, पहली चीज़ कि ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, दूसरा ये अरेबियन सी में इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब ये किस रीज़न को हिट किया है तो आपको याद रखना है, जैसे कंट्रीज है यमन है, जैसे साउथ ओमान है, सुकुत्रा है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई है, वहाँ भी जो है ये हिट करेगा। इवन जो सलाह है जो कि अगेन ओमान की इंपॉर्टेंट सिटी है, वहाँ पे इसने जब लैंडफॉल किया तो उस वजह से काफ़ी रेनफॉल भी हुई और उस रेनफॉल की वजह से कई सारी लाइफें लॉस हुई और कई लोग मिसिंग भी हैं। हमें पता है कि ये मूवमेंट है इस साइक्लोन का। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है कुछ टाइम बाद क्या होगा कि लैंडफॉल के बाद जो है ये साइक्लोन वीक होते चला जाएगा। देखिए वीक क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस जो कि यहाँ पे इसको अवेलेबल होगा, दूसरा है मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर जो है एक तरीके से सोर्स ऑफ हीट रहता है, क्योंकि जब ये मॉइस्चर है जैसे हीटिंग की वजह से जो ये वाटर वेपर ऊपर जा रहा है और वाटर वेपर जाने की वजह से फिर क्या है कि जब ये ऊपर हाइट में वाटर वेपर जा रहा है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो अगेन हीट रिलीज होगी और उसकी वजह से लो प्रेशर जो है वो डेवलप होगा और जो मॉइस्चर है उसकी अवेलेबिलिटी जो कट हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये जो साइकिल है, ये जो चीज़ है, ये पूरी तरीके से जो सप्लाई ऑफ मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से कट हो जाएगी जैसे ही वो लैंडफॉल होगा। तो लैंडफॉल जो है मान लीजिए जो साइक्लोन है वो साइक्लोन ऐसे मूव किया तो यहाँ तक तो उसके पास अब जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर है वो रहेगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे ये लैंडफॉल जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है लैंड एरियाज में जा रहा है तो जो मॉइस्चर की सप्लाई है वो कट हो जाएगी और ये जो प्रोसेस है ये एक तरीके
तरीके से ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि जो वाटर वेपर ऊपर जा रहा है और फिर जो लिक्विड में कन्वर्ट होकर जो हीट रिलीज कर रहा है और फिर लो प्रेशर जो जनरेट हो रहा है और उसकी वजह से आसपास की जो हाई प्रेशर विंड्स हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं, ये जो प्रोसेस पूरी तरीके से कट हो जाएगा। सो इस वजह से क्या होगा, साइक्लोन भी वीक हो जाएगा। तो इसलिए ये भी एक्सपेक्टेड है कि सऊदी अरेबिया और यूएई में जो है ये साइक्लोन थोड़ा वीक रहेगा, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। ऑल दो जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ तो वो बिल्कुल भी ये नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि जो एक तरीके से जो साइक्लोन है पूरी तरीके से डाई कर चुका होगा। इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना साइक्लोन मेकुनू के बारे में कि उसका क्या ट्रैक है, हमने ये भी जाना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।